यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में मतगणना को दी मंजूरी। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना को मंजूरी दे दी है। यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना को मंजूरी दे दी है। इसके पहले कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया, सरकार की वकील की तरफ से पक्ष रखा गया था, इधर तर्क दिया गया था मतगणना में सिर्फ उन्हीं लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल भी पूछे थे कि क्या मतगणना रोकने को लेकर कोई विचार किया, ये सवाल पूछा गया था। वही ये भी सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्या राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कोई कदम उठाया गया है इसको लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि पहले हम राज्य निर्वाचन आयोग को सुनेंगे और उसके बाद कोई फैसला ले सकते हैं या फिर कोई बात हो सकती है। यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने पर याचिका लगाई गई थी, उस पर सुनवाई आज हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना को मंजूरी दे दी है। यानी कि वही प्रोसेस जो पहले आम प्रक्रिया रहती है मतगणना की, उसी प्रक्रिया के अनुसार होगा, लेकिन उसमें बदलाव बहुत बड़े होंगे। बदलाव ये कि बहुत ज्यादा भीड़ मतदान केंद्र में जो मतगणना होगी, जहां पर मशीन रखी हुई है वहां पर जहां पर मतगणना होगी, जो केंद्र बनाए गए हैं मतगणना को लेकर, उन केंद्रों के बाहर किसी भी प्रकार की कोई भीड़ नहीं होगी। साथ ही दूसरी बड़ी बात यह कि उन्हीं लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ये फैसला आप सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है, कल मतगणना अपने उसी प्रक्रिया के अनुसार होगी लेकिन कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि सरकार चाहती थी कि कल ही मतगणना हो और कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल पंचायत चुनाव को लेकर जो मतगणना है होनी है उसको इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई बातों को नोट किया है और हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं समझते हैं। जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया उसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो और कोई विजय रैली ना निकाली जाए। इसी याचिकाकर्ता ने आखिरी मांग की थी कि मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और कोर्ट ने साफ कह दिया कि हर याचिकाकर्ता को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए ये साफ कह दिया है कि कल ही मतगणना होगी और सबसे अहम बात है कि सख्त कर्फ्यू इस मतगणना के दौरान होगी और उसके बाद जो विजय जुलूस रैली अगर निकलती है तो उस पर पाबंदी रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने आदेश में कह दिया है। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी राहत बिल्कुल सरकार के लिए राहत की बात जरूर है। कल अपनी ही प्रोसेस अपनी प्रक्रिया के अनुसार मतगणना होगी, कुछ नियमों का यहां पर पालन करना जरूरी होगा। बहुत धन्यवाद सुमित तमाम जानकारी के लिए।